जैसा कि मैडम ने बताया अभी कि अभी प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ गई है, विशेष करके हर साल देखा जाता है कि इन दिनों में ये जब सर्द शुरू ठंडी शुरू होती है उस समय ये समस्या काफी विकराल रूप धारण कर लेती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो मौसम में बदलाव तो होता ही है, लेकिन जो हमारी दिनचर्या है, हमारे प्रतिदिन का जो रूटीन है, जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके कारण से जो अन्य समस्याएं आ रही हैं उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जैसे परिवहन है, कल कारखाने हैं, वो सब जो स्थापित हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो कल कारखाने उतने नहीं है लेकिन परिवहन तो है, और परिवहन के लिए भी कुछ मापदंड बनाए गए हैं कि उनको अपना धुआं नहीं निकलना चाहिए, बार बार अपना उनका प्रदूषण का जांच करवाना चाहिए, तो वो अपने अधिक से अधिक मात्रा में वो धुआं करते हैं। बहुत सारे लोग डीजल का गाड़ी है उसमें केरोसिन डालकर यूज करते हैं और अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। ये पॉलिथीन जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, उससे भी प्रदूषण फैलता है। अभी ठंडा के मौसम में होता क्या, सामान्य रूप से प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो प्रदूषण होगा वो जानती है कि आदमी है तो गंदा करेगा ही, प्रदूषण करेगा ही, वो हवा को गंदा करेगा, पानी को गंदा करेगा, भूमि को गंदा करेगा, वो प्रकृति को पता है। तो उसने अपनी कुछ व्यवस्था भी बना रखी है उसको ठीक करने की, उसको क्योर करने की। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में ये हो जाता है तो उसको कर नहीं पाता है। इस मौसम में मैं अन्य मौसम की बात कर रहा हूँ, गर्मी के दिनों में विशेष करके, तो ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि धुआं यदि कहीं से निकल रहा है तो आकाश में ऊपर की तरफ जाते रहता है, जाता है ना, जाता है कि नहीं, देखिए ना धुआं को ऊपर जाते हुए, बड़ा बड़ा सा जो चिमनी होता है उसमें चिमनी लगा हुआ होता है उसका भी देखिए बहुत ऊपर धुआं चला गया, जो बहुत अधिक ऊपर चला जाएगा धुआं आपके लिए उतना हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि वहां से आप सांस नहीं ले रहे हैं, सांस आप कहाँ ले रहे हैं, यहाँ अगल बगल की हवा से ले रहे हैं। अभी क्या है कि जब हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं वो सबसे पहले किस कहाँ किसको गर्म करती हैं, सेवेंथ क्लास, सूर्य की जो किरणें आती हैं सबसे पहले किसको गर्म करती हैं, धरती को गर्म करती है, और धरती के संपर्क में रहने वाली जो हवा होती है वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है, फैल जाती है और ऊपर की ओर जाती है, और उसी के कारण से धुआं भी ऊपर जाता है। लेकिन अभी ठंडा होने की वजह से सुबह में विशेष करके या शाम में धरती ठंडी रहती है और उसके संपर्क में हवा भी ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है, ठंडी होकर के सिकुड़ जाती है और भारी हो जाती है तो वो ऊपर नहीं जाती है, और इसमें मिला हुआ है स्मॉग, धुआं। तो ये दोनों मिल करके इस हमारे आसपास जो धुआं का एक लेयर बन जाता है, और वही धुआं हम लोग सांस में लेते हैं, जिसकी वजह से जो मैडम ने या जो अखबार ने आपने पढ़ा कि तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसका उपाय क्या है, इसका उपाय यही है, अभी तो तत्काल है कि मास्क का उपयोग किया जाए, मास्क का उपयोग किया जाए, कोरोना में ही नहीं, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर पूछते हैं जो धूल कण उड़ते हैं ना वो भी हवा में मिल जाती है और वो भी सांस में हमारे अंदर जाती है सांस से, तो इससे फेफड़े की संबंधित बीमारियां होंगी। कभी भी आप देखेंगे फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन को मिलाता है ब्लड के साथ, तो यदि और हम लोग हवा लेते हैं ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, जो भी मिक्सचर है यहाँ पर गैस का मिक्सचर है वो सब लेते हैं, और अंदर का हमारा ऐसे जो एंटीना लगे हुए हैं वो ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य जो अवांछनीय पदार्थ हैं वो भी अंदर जाते हैं और वो भी अपना अपना कहीं ना कहीं गलत प्रभाव दिखाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, विशेष करके दमा वगैरह होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसका ये उपाय है कि प्रदूषण कम से कम हो, जो हमारे बस में है वो भी कर सकते हैं।
लेकिन लोगों को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप लोग कम से कम गाड़ी का यूज करें। आपको बता दूं दिल्ली की स्थिति यह है तो वहाँ स्कूल बंद कर दिए गए हैं प्रदूषण के कारण से, कोरोना के कारण से नहीं। वहां पर इवन ऑड में गाड़ी चलाई जाती है, एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ी चलेंगी तो एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। बहुत सारी गाड़ियों को बंद कर दिया गया कि आप नहीं चला सकते हैं, वहां से हम लोग बेहतर है। लेकिन यदि नहीं हम लोग चेते तो हमारी भी हालत वही हो जाएगी कि विद्यालय तो रहेंगे बच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि विद्यालय बंद कर दिया जाएगा प्रदूषण के कारण। तो इन्हीं जानकारी के साथ मैं अपनी बात को रुकता हूँ। धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जानकारी देने के लिए कि आखिर ये प्रदूषण होता क्यों है और इसके खतरे क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत सुंदर जानकारी के लिए फिर से ताली। तो